क्वेश्चन नंबर सिक्स के अंदर हमारे पास क्या है, वाई इज इक्वल टू 2x² - 4x + 5। ये एक क्वाड्रेटिक गिवन है और एक क्यूबिकल इक्वेशन गिवन है। अब क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, कह रहे हैं कि हैव अ कॉमन टर्निंग पॉइंट, यानी ये दोनों कर्व का जो टर्निंग पॉइंट क्या है वो कॉमन है। टर्निंग पॉइंट क्या है, कॉमन है। सबसे पहले तो कह रहे हैं टर्निंग पॉइंट निकालें। अब आपने टर्निंग पॉइंट किसका फाइंड करना है, टर्निंग पॉइंट आपके पास दोनों कर्व का निकालें, मगर किसी भी एक कर्व का निकालेंगे तो जारी बात है कॉमन है तो एक जैसा होगा। तो हम पहली वाली कर्व, क्योंकि पहली वाली कर्व के अंदर हमारे पास कोई भी अननोन नहीं है, तो पहली वाली कर्व लेंगे। टर्निंग पॉइंट किस तरह से निकाला जाता है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। टर्निंग पॉइंट आप किस तरह से निकालते हैं, ये नहीं कह रहा कि टर्निंग पॉइंट की नेचर बताएं, सिर्फ टर्निंग पॉइंट आपने निकालना है, सही है। ओके, आपने डीवाईडी निकाला है, डीवाईडी से जीरो पुट करके एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स वैल्यू को गिवन फंक्शन में पुट करेंगे तो आपके टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। तो आप इस फंक्शन को दोनों तरफ इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड भी और इक्वल के राइट हैंड साइड भी आप इस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे 2x² - 4x + 5। ओके, योर डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x - 4 ये आपके पास आ जाएगा। और अब इसके अंदर पुट डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की जगह आप जीरो पुट कर देंगे, जीरो पुट करने पर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 4x - 4। तो 4x is equal to 4, 4 से 4 cancel हो जाएगा, तो the value of x is equal to 1, the value of x is equal to 1, put the value of x is equal to 1 in the quadratic function, quadratic function 2 into 1 का square minus 4 into 1 plus 5, तो 5 plus 2 7, 7 minus 4 it is 3, तो your turning point is 1, 3, आपका turning point आ जाएगा, क्या आ जाएगा, turning point curve का आ जाएगा। देखें फिर repeat कर रहा हूँ question के अंदर, क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या कह रहे हैं, ये कर्व है और एक ये दूसरी कर्व है, दो कर्व्स आप, एक क्वाड्रेटिक कर्व है, क्यूबिकल कर्व है, दो कर्व आपको गिवन है। आप कह रहे हैव अ कॉमन टर्निंग पॉइंट, यानी कि दोनों का जो टर्निंग पॉइंट है वो कॉमन है, यानी एक ही पॉइंट दोनों का टर्निंग पॉइंट है, वो कैसा भी हो सकता है, मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है, उससे कोई ताल्लुक नहीं, अभी कोई भी नेचर की बात नहीं कर रहा। फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं फाइंड द टर्निंग पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट, यानी टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट यानी एक्स और वाई की आपने वैल्यू का मालूम करनी है, सही है। अब जब आपने x और y की वैल्यू मालूम करनी है तो आपने उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई डी निकालेंगे, डी वाई डी जीरो पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू देखें मैंने डी वाई डी निकाला, डी वाई डी को जीरो पुट किया, x वैल्यू मेरे पास क्या आई 1 है, 1 को उठा के गिवन फंक्शन में पुट कर दिया, y की वैल्यू मेरे पास क्या आई 2 × 1² - 4 × 1 + 5, सही है, और y = 3 आ जाएगा। ये 1, 3 आपके क्या आ जाएगा, टर्निंग पॉइंट आ जाएगा, 1, 3 आपके पास क्या आ जाएगा, टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। अब ये टर्निंग पॉइंट आपके पास आ गए, अब आपने क्या करना है, अब ये तो पहला पार्ट है, पहले पार्ट का आपका आंसर है, टर्निंग पॉइंट आपके पास आगे किस पहली वाली कर्व ले ली क्योंकि उसमें कोई अननोन नहीं है, तो टर्निंग पॉइंट वैल्यू की फॉर्म में आ जाएगी, ये आपका आंसर आगे। दूसरे पार्ट में कह रहे हैं ए और बी की वैल्यू मालूम करें, तो जारी बात है टर्निंग पॉइंट। अब बी पार्ट के लिए आप क्या करेंगे, बी पार्ट के लिए आप जो अदर इक्वेशन है वो आप लिख लेंगे, ax² + x + b, ये आपके पास है। अब इस इक्वेशन में सबसे पहले तो क्योंकि टर्निंग पॉइंट इसका डी वाई डी निकालना है, इसका पहले तो डी वाई डी निकाल लें, डी वाई डी आपके कितना आया 3x² - 2ax + 1 आ जाएगा। अब पुट कर दें डी वाई डी को, डी वाई डी की जगह जीरो पुट कर दें, डी वाई डी की जगह क्या पुट कर दें, जीरो पुट कर दें। अब जीरो पुट करेंगे तो जो एक्स की वैल्यू है, तो एक एक्स की वैल्यू आपको गिवन है क्योंकि दोनों का आपके पास क्या है, नाउ आप लिखेंगे इसके अंदर क्या लिखेंगे, नाउ आप इधर लिखेंगे Now, 1, आपका टर्निंग पॉइंट क्या आया था 1, 3, 1, 3 इज कॉमन, आप कैसे कह टर्निंग पॉइंट कह दें या स्टेशनरी पॉइंट कह दें बात एक ही है, सही है, टर्निंग पॉइंट कहते हैं, स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं या मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट कहा जाता है बात एक ही है, पॉइंट को पीटी शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखता हूं। अब इसके अंदर सो आप जहां जहां पे x है वहां 1 पुट करते हैं, वहां क्या पुट करते हैं 1² - 2a × 1 + 1, तो 3 + 3 = 4, 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, -4 हो जाएगा इज इक्वल टू -2a, तो वैल्यू ऑफ a आप कैसे आ जाएगी 2 आ जाएगी, वैल्यू ऑफ a आप कैसे क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब आपने कर्व की इक्वेशन को एक बार और लिख लीजिए, कर्व की इक्वेशन को लिख दी, अब ये जो टर्निंग पॉइंट है, जो आपका टर्निंग पॉइंट कर्व के ऊपर लाइ कर रहा है कि नहीं कर रहा, मुझे सिर्फ ये बता दें, ये जो टर्निंग पॉइंट है आपके पास 1, 3, ये कर्व के ऊपर भी लाइक करता है, जारी बात है कर्व का पॉइंट होता है, तो आपने इस कर्व की इक्वेशन को लिखना है और इसमें पुट क्या करना है, ये टर्निंग पॉइंट पुट कर देना है पूरा एक्स वाई की जगह पर, और ए की वैल्यू 2 पुट कर देनी है और एंड वैल्यू ऑफ ए 2 पुट कर देंगे। योर टर्निंग पॉइंट इज द वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू 3² - 2 का क्यूब माइनस ए कितना है 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर
प्लस टू प्लस बी आफ्टर कैलकुलेटिंग, इधर से आपके इसके आ जाएगी बी की वैल्यू आ जाएगी, ये आपके इसके आ जाएगा थ्री इज इक्वल टू एट माइनस एट, एट माइनस एट प्लस टू प्लस बी, ये कैंसिल हो जाएगा, बी की वैल्यू टू उधर जाकर माइनस होगा, बी की वैल्यू वन आ जाएगी, ये आपके पास ए और बी की वैल्यूज आ गई, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर जी बेटा, एक्स की वैल्यू वन है, यस एक्स की वैल्यू वन है ना, एक्स की वैल्यू वन, मैंने क्या पढ़ा, ओ अस्तगफिरुल्लाह टू पुट कर दी मैंने, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, पता नहीं किधर दिमाग था यार, थैंक यू, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं टू पता नहीं मुझे, अच्छा मैं ए को टू, अस्तगफिरुल्लाह बहुत बड़ी गलती की है मैंने, थैंक यू। ओके बेटा, माइनस ए इंटू वन का स्क्वायर प्लस, जादू होते रहते हैं ऐसे, बहुत अच्छी बात है आपने मुझे बता दिया, बता दिया करें, इसका मतलब आप लोग अलर्ट है, बहुत अच्छे। ओके बेटा, अच्छा ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस टू माइनस टू कैंसिल हो जाएगी, तो वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू थ्री, तो बी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, थ्री आ जाएगी, गुड, बहुत अच्छे बेटा, थैंक यू। आ जाए ये क्वेश्चन आपके पास क्या है, आपके पास ये क्वेश्चन था जिसमें आपको ए और बी की वैल्यू मालूम करनी और टर्निंग पॉइंट मालूम करना था, ये टर्निंग पॉइंट आपने निकाल लिया, सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन। अब क्वेश्चन नंबर सेवन के अंदर क्या है, इसी तरह के क्वेश्चन है, मगर ये क्वेश्चन इसलिए मैंने करवा रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत है पास पेपर में आपको नजर आएंगे, और खासतौर ए लेवल पी वन के अंदर तो बहुत ही ज्यादा होंगे आपके, सही है। ओके, ये कर्व की क्वेश्चन कह रहा है कि आप कह रहे हैं ये स्टेशनरी पॉइंट है, यानी किसका जो टर्निंग पॉइंट आपको गिवन कर रहा है, और कह रहे हैं ए और बी की वैल्यू मालूम, सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर प्रीवियस क्वेश्चन है, आप कहते हो वो जो पॉइंट, ये जो टर्निंग पॉइंट माइनस 3.19 है, इसकी नेचर भी बता दो, नेचर के लिए आप सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे, तो इस क्वेश्चन को आप किस तरह से करेंगे, सबसे पहली चीज आपने कर्व की कुछ मैं आपको करवा देता हूं, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है, टू उसमें दो फंक्शन थे, इसमें एक ही फंक्शन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। अब सबसे पहले तो डी ऑफ डिक्स निकालें, डी ऑफ डिक्स आपके पास कितना है, डी ऑफ डिक्स आपके 6x स्क्वायर प्लस 4ax आ जाएगा, और प्लस बी इज 0, अब पुट कर देंगे, पुट डी ऑफ डिक्स को आप 0 पुट कर देंगे, डी ऑफ डिक्स को क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, अब आपने 0 पुट करेंगे, 0 और टर्निंग पॉइंट के अंदर आपके जो x की वैल्यू है, वो टर्निंग पॉइंट की x की वैल्यू कितनी है, -3 आप पुट कर देंगे x की जगह पर, x की जगह क्या पुट कर देंगे, माइनस, क्योंकि टर्निंग पॉइंट आपको गिवन है, टर्निंग पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट बात एक ही है, इसको वो आपको गिवन है का स्क्वायर, तो x की जगह आपने क्या पुट कर दिया, x की जगह -3 पुट कर, -3 का स्क्वायर प्लस 4 * जी क्या कहा, 4ax है, 2ax हो गया यार, ये क्या हो रहा है, 2ax हो गया, सॉरी यार ये 4ax कैसे लिख दिया मैंने, क्या सोच के लिख दिया पता नहीं, इसका मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा, 2ax, थैंक यू बेटा, तो ये आपके पास 2 पावर 3 2ax होगा, 2ax हो गया आपके पास, ये 2 आ जाएगा और a आपका एज इट इज रहा, x वैल्यू क्या होगी, -3 हो जाएगी, और 0 तो हमें लिखने की जरूरत नहीं, ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 6 का कितना होता है, 9 6 का 9 5 का 45, 9 6 का 54 होता है, 9 मल्टीप्लाई बाय 6 इट इज 54 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, -54 हो जाएगा, और ये -6a हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये मेरे ख्याल से 9 होता है, एक वैल्यू आपके इसके आ गई 9 आ जाएगी, एक वैल्यू आपके इसके 54 डिवाइडेड बाय 6 9 होता है, 9 आ गई, एक वैल्यू 9, ये आपकी पहली ए की वैल्यू आ गई, ये आपका पहला आंसर है। अब आपने क्या करना है, अब आपने कर्व की क्वेश्चन लेनी है, 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस b, अब इसके अंदर क्या करते हैं, पुट ये पॉइंट पुट कर देना, टर्निंग पॉइंट क्योंकि कर्व पे लाई करता है, ये पुट कर देना, और एंड a की वैल्यू कितनी है, a की जगह 9 पुट कर देना, और b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, तो y की जगह क्या है, -19 आ जाएगा, 2a की जगह क्या आ जाएगा, -3 का क्यूब आ जाएगा, और प्लस a की जगह क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, -3 का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस b, और ये 9, और ये आप कैसे 27 टू जो कितना होता है, 3 का क्यूब 27, 27 टू जो 54 ही होता है, 27 टू जो आप कैसे होगा 54, ये 54 हो जाएगा बेटा, और ये आप कैसे हो जाएगा प्लस, और ये माइनस होगा 54, क्योंकि ऑड पावर ऑड माइनस बाहर आ जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, और 99 से कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, 81 प्लस बी, और 54 माइनस 81 आप करेंगे तो आपके 27 आएगा, पॉजिटिव 27 आएगा, उधर जाके माइनस 27 हो जाएगा, और ये बी की वैल्यू आ जाएगी, तो बी की वैल्यू 27 में से 19 माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस 8 आ जाएगा, तो बी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, माइनस 8 आ जाएगी, ये आपका आंसर आ गया, ए और बी आ गया। बड़ा आसान क्वेश्चन था, ए और बी तो आपने निकालना, आपके लिए कोई मसला ही नहीं था, सही है। अब आपने क्या करना है, अब आगे क्या कह रहा है, जो टर्निंग पॉइंट जो आपको गिवन है, इसकी नेचर बताओ,
ये कैसा है, ये मैक्सिमम डिटरमाइन टू वेदर दिस स्टेशनरी पॉइंट, जो स्टेशनरी पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है, जो आपके पास है, वो कैसा है, मैक्सिमम है या मिनिमम है, आपने ये फाइंड आपने बताना है, ये मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम। तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने कर्व का जो फर्स्ट डेरिवेटिव आपने निकाला है, फर्स्ट डेरिवेटिव, आप फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास कितना है 6x2 और a की वैल्यू पुट कर दोगे तो प्लस 8 to the 18 ax आ जाएगा, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। आपने निकाला हुआ है, दोबारा से निकालने की जरूरत नहीं, और a की वैल्यू इसके अंदर पुट कर 9 to the 9 2 से क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो सेकंड डेरिवेटिव आपका इसका क्या आ जाएगा 12x plus 18 आ जाएगा। अब 12x plus 18 आएगा, 12x plus 18, और इसके अंदर x की वैल्यू टर्निंग पॉइंट कितना है -3.9, जहां जहां x है वहां आपने क्या पुट कर देना है y -3.19 है, मेरे ख्याल से पॉइंट क्या है 19 है, ओके तो x ही पुट होगा क्योंकि फंक्शन डिटरम ऑफ x है, y तो है नहीं, तो आपके ये -3 हो गया, और 12 3 से क्या होगा 36 हो जाएगा, 36 माइनस 18 हो जाएगा, 36 में से 18 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 36 18 ही आएगा, तो ये -18 आ गया, क्या आ गया -8, और वैल्यू क्या है लेस देन 0, तो आप कहोगे हेयर हेयर आप लिखोगे d, यानी सेकंड एरर इस तरह से y डबल डैश भी करके लिख सकते हो, लेस देन 0 सो सही है आपके सो -3.19 कौन सा पॉइंट होगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा, आपने बस शॉर्ट फॉर्म में m मैक्सिमम पॉइंट लिख दीजिए, सही है पॉइंट को pt शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखता हूं। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 था, बिल्कुल सिंपल सिंपल ऐसे क्वेश्चन है, भरे पड़े हुए आपके पेपर्स के अंदर, सही है रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, तो 7 और 8 और 8 और 9 आप लोगों ने करना है। असल टारगेट मैं अपनी असल टारगेटेड एक्सरसाइज पे आ रहा हूँ, जो मुझे बहुत पसंद है और जो आप लोगों के ज्यादातर क्वेश्चन उसी एक्सरसाइज से उसी जैसे क्वेश्चन आते हैं, एक्सरसाइज से तो नहीं आते, बेसिकली आप बुक से इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपका टॉपिक का रिदम आपका डेवलप हो। तो ये दो क्वेश्चन आपके HW है, आप बेटा ये दो कर लेंगे इनफ है, सही है प्रैक्टिस करेंगे रिदम तभी डेवलप होगा। तो ये दो क्वेश्चन 7 और 8 बिल्कुल सेम है, आप खुद करिएगा बेटा। अब आते हैं अब असल एक्सरसाइज जो हमारी है लास्ट एक्सरसाइज, वो भी यही चीजें, कोई नई चीज नहीं है उसमें, कोई नई चीज हम नहीं सीखेंगे, यही स्ट्रीम वैल्यूज के साथ निकाल, मगर जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो क्या होंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी, क्या होंगी वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो मैं आप लोगों को 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको होमवर्क दे देता हूँ आप लोगों को, वो यही है, यानी 17.2 के क्वेश्चन है, उसमें कोई खास बात नहीं है, उसमें यही है, ये क्वेश्चन नंबर 17.3 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको कर लीजिएगा बेटा। स्टेशनरी पॉइंट निकालना है, टर्निंग पॉइंट निकालना है, उसको बताना है मैक्सिमम है मिनिमम, तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो मिनिमम, वैल्यू नेगेटिव आएगी तो मैक्सिमम है, बिल्कुल क्वेश्चन 1 में भी इसी तरह होगा, क्वेश्चन 2 में भी इसी तरह से होगा, सही है। क्वेश्चन 2 में कुछ फंक्शन है जिस तरह से बी पार्ट उसमें प्रोडक्ट फॉर्म लगा दें या मल्टीप्लाई करके देन डेरिवेटिव, और सी पार्ट में प्रोडक्ट लगेगा, डी पार्ट में क्वेश्चन फॉर्म लगेगा, और सी एंड डी पार्ट ए लेवल में है ही नहीं, हो ही नहीं सकते क्योंकि ए लेवल में प्रोडक्ट और क्वेश्चन फार्मूला नहीं है, सही है। तो ये क्वेश्चन तो 7 ये दोनों क्वेश्चन आपके HW है, ये भी मैं HW कर देता हूँ, बिल्कुल प्रीवियस 17.2 की तरह कर लीजिएगा, 5 इसमें से ये दो दो पार्ट भी कर लेंगे इनफ है, काफी है, सही। असल टारगेट है मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन से उधर से हम शुरू करते हैं, 17.3 क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, सही है। अब बहुत ही सिंपल किस्म की वर्ड प्रॉब्लम आ रही है, सिंपल किस्म की वर्ड प्रॉब्लम से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, और फिर आगे हम एडवांस किस्म की वर्ड प्रॉब्लम तक लेके चलता हूं मैं आपको, और ये टॉपिक हमारा क्लोज हो जाएगा, सही ओके। इस वीक में इंशाल्लाह डेरिवेटिव आपके क्लोज हो जाएंगे, सही है ओके। 2x + y = 10 ये एक आपके फंक्शन गिवन है और लाएंगे, और ये एरिया गिवन है एक्स वाई, ये गिवन है, आपको कहते हैं फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए, यानी ए की मैक्सिमम वैल्यू, यानी फंक्शन आपका ए क्या ए का बनेगा, ए का फंक्शन ऑलरेडी गिवन है एक्स वाई गिवन है, तो वाई की यानी ए को इन द टर्म ऑफ सिंगल वेरिएबल एक्स में आपने डिस्प्ले करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस जो 10 - 2x है, ये 2x इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू 10 - 2x, तो अब आप क्या लिखेंगे ए इज इक्वल टू एक्स वाई लिख देंगे, a is equal to x y, put इसके अंदर y की वैल्यू पुट कर दो, y is equal to 10 - 2x आपने पुट कर देंगे, तो a is equal to x 10 - 2x आपके पास आ जाएगा, और a is equal to 10x - 2x² आ गया आपके पास, सही है बेटा ये आपके पास आ गया ओके।
अब आपने क्या करना है, अब बिल्कुल उसी तरह के काम है जो हमने प्रीवियस करते हुआ है। अब क्या काम है भाई, आपका फंक्शन ए का फंक्शन बन गया, इंटरम ऑफ एक्स बन गया। अब विद रिस्पेक्ट कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल कौन सा, एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट करें, यानी डी अपॉन डी एक्स आपने फाइंड करेंगे, तो 10.1 - 2x। ओके, डी ए अपॉन डी एक्स आपके पास क्या आएगा, डी अपॉन डी एक्स 10 - 2x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10 - 2x आ जाएगा। इसके अंदर क्या करेंगे, पुट आपने पुट करेंगे डी ए अपॉन डी एक्स को, क्या पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे, कोई एक्स की वैल्यू निकालनी है ना आपने। जीरो इज इक्वल टू 10 - 2x, तो 2x इज इक्वल टू 10, द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5। एक्स की वैल्यू को, जो एक्स की वैल्यू 5 आई, उसको उठा के गिवन फंक्शन में पुट कर देंगे, गिवन फंक्शन में पुट कर देंगे। अब जाहिर बात है वो फंक्शन में पुट करेंगे तो आपके पास, चले पहले तो एक्स इस एक्स की वैल्यू पर चले पुट करते हैं, वैल्यू वैल्यू 5 पर एरिया कितना आ जाएगा, एरिया 10 × 5 - 2 × 5 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 50, और आपके पास कितना आ जाएगा, फंक्शन में पुट होगा 10 × 5 = 50, और मैक्सिमम एरिया क्या आ जाएगा, जीरो आ रहा है मैक्सिमम एरिया इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं की, 10 - 2x हुआ, 10 - 2x पुट कर दिया, 10x - 2x² 2x² तो x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 5 2x, x की वैल्यू मेरे पास 5 आ गई, 5 को पुट करके 10 5 से क्या हो गया 50 हो गया, 5 2 5 का स्क्वायर 25, 25 2 = 50, 50 - 50 तो मैक्सिमम एरिया तो जीरो आ जाएगा। सही, मैक्सिमम एरिया क्या आएगा, जीरो आएगा, चेक निकल लेते हैं। ओके, अब आपने क्या करना है, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। सेकंड डेरिवेटिव आपके फंक्शन का क्या आएगा, सेकंड डेरिवेटिव आपके पास आया आप 0 - 2.1, तो आपके पास क्या -2 आ गया। हेयर आप क्या करो, हेयर आप इधर कहेंगे, हेयर सेकंड डेरिवेटिव आपके पास क्या है, डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो, सो मैक्सिमम एरिया इज इक्वल टू जीरो एट एक्स इज इक्वल टू 5 पर। एक्स इज इक्वल 5 पर मैक्सिमम एरिया कितना है, जीरो है, मैक्सिमम एरिया कितना है, जीरो है। एक मिनट में इसका आंसर भी चेक कर लूं, मैं भूल गया हूं इसका आंसर भी, पेज नंबर आपके 394 है, जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैंने तो बिल्कुल सही किया, एक मिनट बेटा आंसर देख लीजिए, 17.3 आप लोग बता भी नहीं रहे यार, पता नहीं सब सो रहे हैं यार, मैंने कितनी बड़ी गलती की है, आप लोगों ने बताया, किसी ने भी नहीं बोला मुझे कि 4x आएगा डेरिवेटिव क्या आएगा। मैंने आप बोले सर इधर आपने डेरिवेटिव गलत किए 4x क्यों, तभी तो आपका एरिया जीरो आ रहा है, एरिया जीरो आ नहीं सकता था, मैंने डेरिवेटिव के अंदर गलती की, किसी ने भी मुझे नहीं बताया कि सर आपने इधर इसके डेरिवेटिव 4x है तो आपका आपने 2x लिख दिया था, गलत है। तो आप इसको पुट करेंगे तो ये आपके 10 - 4x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4x, और इधर आपका 4 आ जाएगा, ये 4x इज इक्वल टू 10, द वैल्यू ऑफ x अब इधर से कर लेते हैं, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी 5.2 आ जाएगी, x की वैल्यू 5.2 को फंक्शन में पुट कर देंगे, a इज इक्वल टू 5.2 - 10 - 5/2, तो ये आपके इसके हो जाएगा 5.2, और यहां पर 2 एलसीएम आ जाएगा, 20 - 25 कितना हो जाएगा, ये 2 एलसीएम आ जाएगा ना 5.2, और ये आपके 4, ये आपके 2 है, सॉरी ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, सॉरी डायरेक्ट कर दूं यार, 5 लिख दिया था गलती से, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 = 25.2 आ जाएगा, 25.2 का मतलब 12.5, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। तो आप उधर सेकंड डेरिवेटिव आपके इसका माइनस में है, तो आपका मैक्सिमम एरिया कितना आएगा, 12.5 आएगा, कितना आएगा 12.5 आ जाएगा। ये मैंने गलती डेरिवेटिव में मैंने छोटी से देखिए डीवाइडेस निकालते हुए 4x आना चाहिए था तो मैंने 2x लिख दिया था, वो उतनी छोटी सी गलती ने मेरा पूरा क्वेश्चन आगे गलत कर दी, क्योंकि एरिया मेरा जीरो आता है, एरिया तो पॉसिबल नहीं है ना जीरो आना, सही है। और 294 अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 294 आज तो हर क्वेश्चन में गड़बड़ कर रहा हूं, 394 ओके चले करते हैं, इसका मतलब चाय नहीं दी हुई मैंने, ओके नेक्स्ट, असल में ऊपर नीचे क्लास है, थक गया हूं। अब आते क्वेश्चन नंबर 4 पे बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आप फर्स्ट क्या कह रहे हैं, ये अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर जरा देखें,
इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर आपको कह रहा है टू वेरिएबल एक्स एंड वाई वेरी इन सच अ वे, इस तरह से एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू, अनदर वेरिएबल जेड, तो और जेड किसी के बराबर है, जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और आपको कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और जेड क्या फंक्शन किसका, दैट मेक्स फंक्शन इज मिनिमम, जेड इज फंक्शन जेड का बनेगा, तो आपने इससे x plus y is equal to से y की वैल्यू, y क्या है x minus 2 minus x है, y कितना है 2 minus x, ये x उधर जाकर माइनस हो जाएगा, इसको पुट कर देंगे, पुट y is equal to 2 minus x, तो z आपका क्या आ जाएगा, z आ जाएगा x square plus 2 minus x का होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा x square plus 4 minus 4x plus x square, और x square क्या 2x square आ जाएगा minus 4x आ जाएगा plus 4 आ जाएगा, ये z function आ गया, क्या आ जाएगा z का function आ गया, बस बन गया। अब जब function बन गया ना, आपने function बना दिया, अब function को अब उसका वो point बताना है, आपने x और y की value बतानी है जिस पर z minimum होगा, जिस जिन values पर z क्या होगा कम से कम होगा, अब z की किस value पर कम से कम होगा, तो पहले सबसे पहले तो derivate कर दे z को with respect to x, derivate करेंगे 4x minus 4 dot 1 plus 0, तो dz upon dx आपके कितना आएगा 4x minus 4 आ जाएगा, सही है, अब आपने इसको 0 के बराबर पुट कर देना, पुट आपने dz upon dx को क्या पुट करना है 0, 0 is equal to 4x minus 4, the 4x is equal to 4, the value of x is equal to 1, value of x कितनी आ जाएगी 1, इस value को उठा के given function में आपको 2 minus 1 by the value of y is equal to 1, वैल्यू ऑफ y भी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, x और y की वैल्यू 1 आ गई यहाँ पर, मगर अभी तो आपको नहीं पता चला कि ये इन वैल्यूज पर z मिनिमम है कि नहीं है, तो अब आपने क्या करना है z का सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, z का सेकंड, द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ z इज 4 डॉट 1 माइनस 0, द वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, वैल्यू इज हियर, आप कहेंगे हियर द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ z इज ग्रेटर देन 0, सो z has आपके क्या है मैक्सिम सॉरी मिनिमम 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 एट x is equal to 1 एंड y is equal to 1, this is your required answer, सही है बेटा, ये समझ में आया आप लोगों को क्वेश्चन, ये इस तरह अभी अभी तो ये बहुत हल्की वाली वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इसके बाद जो अभी आना शुरू होगी वो बहुत अच्छी अच्छी वाली होगी, ये नेक्स्ट भी आपको करवा देता हूँ 5, और फिर इसके बाद हम आगे वर्ड प्रॉब्लम्स को कंटिन्यू करते हैं, करें कल भी इंशाल्लाह वर्ड प्रॉब्लम क्लास चलेगी, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके बेटा इस क्वेश्चन के अंदर देखें द टू पॉजिटिव टू, अब देखें आपको क्या है द पॉजिटिव वेरिएबल एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई की वैल्यूज आपकी पॉजिटिव आपने लेनी है, पॉजिटिव आनी चाहिए, द थर्ड वेरिएबल जी इज डिफाइंड, जेड का फंक्शन क्या है जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई, find get the find the value of x and y, function किसका बने z has a stationary value, z की stationary value, और z की value आपको prove भी करनी है minimum है, z की value क्या है minimum है, ये prove, और function किसका बनेगा z का बनेगा, सबसे पहले तो आपको जो function है x square y is equal to 32, इसमें से y को subject बना लीजिए, y को subject बनाया तो 32 upon x 4 आ जाएगा, ये आ गया, और z का function क्या है z is equal to x square plus y, अब इसके अंदर put y is equal to आप क्या इसका आ जाएगा 32 upon x 4 put कर दीजिए, the z is equal to x square plus 32 upon x 4, ये आपने पुट कर दिया, सही है 32 upon x 4 आपके साथ आ गया, अब आपने इसको डिफरेंशिएट करना है dz upon dx निकालना है, dz upon dx आपके साथ कितना आएगा 2x square, 2x आ जाएगा बेटा, आप आपके साथ क्या आ गया 2x आ गया plus 32 और ये into minus 4 और x power क्या हो जाएगी एक less हो जाती minus 5 हो जाएगी, क्या हो जाएगी minus 5, आपको derivative करना आते हैं, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं डेरिवेटिव कैसे होता है, सही है, तो अगर वीक है डेरिवेटिव फिर दोबारा 15 चैप्टर्स दोबारा वीडियोस पढ़ी हुई है सीक्वेंशियली पढ़ी हुई है, आप एक एक्सरसाइज दोबारा करें अगर डेरिवेटिव आपके वीक है, सही है, और 32 फोर का कितना होता है 32 फोर का 120, 32 मल्टीप्लाई 4 इट इज 128 आ जाएगा माइनस 128 अपॉन एक्स पावर 5, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, अब आपने क्या करना है बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव को आपने जीरो पुट करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को आपने क्या करना है पुट आपने dz upon dx is equal to 0, 0 पुट करो, तो 0 is equal to x power 5 एलसीएम आ जाएगा 2x power 5 minus 128,
और ये x पावर 5 में तो जाके जीरो हो जाएगा, तो 2x पावर 5 माइनस 128 और 128 इज इक्वल टू 2x पावर 5, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, एलसीएम कितना, हाँ 2 आपका आ गया सही। एक और कोई गलती की मैंने, क्या है एक मिनट मैंने किधर गड़बड़ की, कोई गड़बड़ की, आप क्या कह रहे हैं x की पावर 6 होनी नहीं क्या करें 6, हाँ 6 हो जाएगी ना पावर, यार अल्लाह वही गलती कर रही पावर, तो ये एलसीएम लेके तो पावर 6 हो जाएगी ना यार, ये मैं गलती कर रहा हूँ सही है, मैं वही देख रहा हूँ मैंने किधर गलती की, क्योंकि मुझे आगे पता चल गया मैंने गलती की कर ली थी, क्योंकि देखो पावर 64 x पावर 6 बनेगी सही है, तो x पावर वो एलसीएम लेते वक्त मैंने गलती कर दी थी, वो पावर 6 बनेगी बेटा 2 की पावर 6 इसको, क्योंकि इधर से x नहीं लेते 6 से 6 कैंसिल, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब इस x की वैल्यू को उठा के गिवन y का फंक्शन है y में पुट कर दो, क्योंकि x और y दोनों चाहिए आपको, तो 32 अपॉन 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इससे कैंसिल होगा, तो ये क्या होता है 2 की पावर 4 16 होता है, ये 2 हो जाएगा, y कितना आ जाएगा y भी 2 आ जाएगा, y कितना आ जाएगा y की भी वैल्यू 2 आ जाएगी। आप कह रहे हैं x और y निकालो, x और y आपने निकाल लिया, अब स्टेशनरी वैल्यू ऑफ z, z की स्टेशनरी वैल्यू निकाल, z की स्टेशनरी वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपने z की स्टेशनरी वैल्यू आप क्या इसके एंड Give the z stationary values, the value of stationary z की क्या होगी, function में आप put करते हैं z के function में, z का function क्या है x square plus y, तो z की value क्या आ जाएगी x2 and y2 put कर दीजिए, आप direct इसमें put कर दीजिए, तो z की value क्या है 2 का square plus 2, z की value क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी, z की value आप 6 ये भी निकालने को कह रहे हैं उसको भी कह रहे हैं, and give the z values, show that z is minimum। अब z इन वैल्यूज पर मिनिमम है, तो आपने क्या करना है, z सेकंड डेरिवेटिव z का लेना है, तो सेकंड डेरिवेटिव आप कैसे कितना आ जाएगा, योर सेकंड डेरिवेटिव इज आप कैसे 2.1 और आप कैसे क्या होगा पावर -3, तो आप कैसे कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 128 इट इज माइनस माइनस प्लस 640 x पावर -6 सही है। अब इसके अंदर x की वैल्यू पुट कर दें, x की वैल्यू कितनी है 2 वैल्यू, x की वैल्यू 2 पुट कर दें, अब वैल्यू 2 पुट करने पर वैल्यू देखें कैसी आ रही, वैल्यू x इज इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए, 2 पुट करें 2 और ये प्लस 640 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6 64 होता है, ये 10 हो जाएगा, ये 10 आपके 10 और ये 12 आ जाएगा, और वैल्यू क्या आ रही ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो क्या होगा फंक्शन क्या होगा एज फंक्शन मिनिमम हैज प्रूव दैट एज proved z has minimum at x is equal to 2 and y is equal to 2 and minimum value of z is 6, this is your answer, ye answer bhi hoga, ye question hai, is tarah ke questions paper mein aate hain sahi, is tarah bhi nahi aate, isse agla question jo hai अब उधर से क्वेश्चन सही किस्म की बढ़ पापी शुरू हो रही है, तो एक्स वाई के अंदर रिलेटेड इक्वेशंस है, अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे सही है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपके पास क्या है, ये एक बड़ प्रॉब्लम है ओके, कह रहे एक रेक्टेंगल है उसकी साइड्स हैज साइड्स एक्स एंड वाई सही है, और उसका एरिया कितना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, शो दैट The perimeter, perimeter का ये function है, कहता है perimeter का ये function बना दो, पहले तो ये बनाने को कह रहा है, अब बनाने के लिए कोई मसला ही नहीं, तो आप rectangle बना दीजिए, rectangle ये है आपके x y, और आपको उसका area कितना given है, area 16 centimeter square given है, तो आप इधर लिखिए a is equal to l into b, ये formula बचपन में पढ़ा हुआ है, 16 is equal to l कितना x है, b कितना y है, y is equal to 6 x upon 16 upon x आ जाएगा, y is equal to क्या आ जाएगा 16 upon x आ जाएगा, y in the term of x आपके साथ। अब आपने perimeter, तो perimeter का क्या formula होगा, shape का perimeter का formula p is equal to 2 l plus b, अब 2 l कितना है बेटा, l x है और b कितना है y है, इसके अंदर y की value put करते हैं, 2 y की value कितनी x plus 16 upon x, तो ये p function is, p function क्या है 2 x plus 32 upon x, क्या यही लाना था कि नहीं लाना था हमारा, ये हमें क्या कर रहा है प्रूफ, ये आप इधर लिख दीजिएगा प्रूफ, ये पहला पार्ट हो गया, ये आपको कितने मार्क्स मिले 3 मार्क्स, या मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 मार्क्स आपको मिल गया। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आगे ये पेज नंबर 2 भी हमारा हो गया, आगे कह रहा है हेंस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, बताइए वैल्यू ऑफ एक्स आपने बता दी, पी हैज स्टेशनरी वैल्यूज, पी की स्टेशनरी वैल्यूज, शो दैट पी इज मिनिमम,
यानी फंक्शन पी का ही है। तो अब आपने कुछ भी नहीं करना, आपने पी को पकड़ना है 2x plus 32x power minus 1, इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू पी, विद रिस्पेक्ट टू पी डेरिवेटिव 2.1 minus 32 upon x square आ जाएगा, और पुट कर देंगे पुट dp upon dx is equal to 0, 0 पुट कर देंगे तो 2 minus 32 upon x square आ गया, तो 32 upon x square is equal to 2, ये कैंसिल हो जाएगा, x square is equal to 16 आ जाएगा, the value of x is equal to 16 क्या होता है 4, x square is equal to 4 का square कैंसिल हो गया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ गई x की वैल्यू। आपको किसकी वैल्यू चाहिए था, आपको सिर्फ x की वैल्यू चाहिए थी, सही है, which is the p stationary value, और p की stationary value भी बतानी है, और p minimum ये भी प्रूफ करना है आपने, सही है, तो p की stationary value आप p में इसको पुट कर दे, p is equal to 2x कितना है 4 plus 32 upon 4, 32 और 8, 8 plus 8 कितना हो गया 16 हो जाएगा 16, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी। अब आपने सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, जिससे आपने ये साबित करना है p की ये जो वैल्यू x = 4 पर कम से कम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या था, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास 2x सॉरी हमारे पास क्या था 2, फर्स्ट डेरिवेटिव 2 minus 32 upon x square था, तो सेकंड डेरिवेटिव बेटा क्या आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और minus 32 और minus 2 और x square क्या हो जाएगी minus 3 हो जाएगी बेटा। अब इसके अंदर x की वैल्यू 4 पुट करें, तो 64 अपॉन आपके 4 का क्यूब और 64 अपॉन 64 ये कैंसिल हो गया, ये वैल्यू क्या है 1 आई, सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा ग्रेटर देन 0, आप कहेंगे हेयर सही है, सेकंड डेरिवेटिव dp यानी पैरामीटर का फंक्शन बनना था आपका इज ग्रेटर देन 0, सो आपके पास क्या है p इज इक्वल टू 16 हैज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 4 पे, सही है मिनिमम वैल्यू, और ये प्रूफ भी हो गया मिनिमम है, सही है आपने प्रूफ भी कर लिया, क्लियर है बेटा, ये बात समझ में आई कि नहीं आई बात, और ये पहले पेज नंबर ये वाला आपका पेज नंबर 1 है, ये वाला पेज नंबर 1 हो गया, ये पेज नंबर 2 हो गया, और 3 इस तरह से पेज आपके कंटिन्यू हो रहे हैं, सही है ये आपका क्वेश्चन जैसा कंटिन्यू हो रहा है, ये क्वेश्चन भी वर्ड प्रॉब्लम थी, सिंपल वर्ड प्रॉब्लम थी, फंक्शन किसका बनाना था, पहले तो सिंपल मेंशन टाइप क्वेश्चन था कि आपके पास आपको एरिया गिवन है, एरिया और लेंथ और विड्थ को भी बताया, लेंथ एक्स है विड्थ वाई है, तो एरिया आपको रेक्टेंगल के बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, जैसे वाई डिटरम ऑफ एक्स एक फंक्शन बना लिया, और पैरामीटर क्या आ गया, कहते हैं पैरामीटर प्रूफ करो पी इज इक्वल टू 2x प्लस 32 अपॉन एक्स आ जाएगा, तो एल कितना एक्स है, ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है आपके पास वाई है, वाई की जगह 16 अपॉन एक्स पुट कर देंगे, देन आफ्टर मैनिपुलेट करेंगे तो आपके पी इज इक्वल टू 2x प्लस 32 अपॉन एक्स आ जाएगी, और देन फंक्शन को डेरिवेट करेंगे, फंक्शन के डेरिवेटिव के अंदर आपने 0 पुट कर dp / dx 0 पुट कर देना है, 0 पुट करके x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू को उठा के आपने पुट कर देना है गिवन फंक्शन के अंदर, तो पैरामीटर की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको ये नहीं पता p की वैल्यू ये मैक्सिमम है मिनिमम, उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव में के अंदर x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, अगर वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो मिनिमम होगा, तो इसमें आपको प्रूफ करना था p मिनिमम है, p मिनिमम तो मिनिमम ही होगा क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रही है तो मिनिमम हो जाएगा, सही है, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल इस तरह मगर सिंगल लाइन में क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एक ही लाइन में क्वेश्चन है मगर होगा इतने ही स्टेप्स में और जितने स्टेप्स में ये हुआ हुआ है, सही है। अब इसमें सिंगल लाइन का क्वेश्चन है आपके पास आ रहा है, ये एक ही लाइन का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या कहता है बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर कहता है इफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पैरामीटर आपके पास कितना गिवन है, पैरामीटर आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर कह रहा है पी इज इक्वल टू आपके 80 मीटर के बारे में, आपको कह रहे हैं फाइंड द मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया बताओ यानी फंक्शन एरिया क्या बनेगा। अब आप लेट कर देंगे, लेट आपके x क्या है, x लेट x और y क्या आपके x क्या है, आप ये इस तरह से जैसे डायरेक्ट कर लेट कर लीजिए, ये रेक्टेंगल है आप ऐसे बनाइए, ये x है ये width है, सही है, और p के p किसके बराबर होता है, p इज इक्वल टू 2x plus 2y आप डायरेक्ट लिख दीजिए, और p की जगह आप 80 लिख दीजिए, और इधर से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 जब कॉमन आएगा x plus y और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके 40 is equal to x plus y, the y is equal to 40 minus x, y is equal to 40 minus x आपके साथ, ये y in the term of x। अब एरिया का फॉर्मूला बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ x है विड्थ कितनी y है, तो x y और x की जगह आप क्या करोगे 40 minus x पुट कर दें, तो ये a, a आपके पास आ जाएगा 40x minus x square, minus क्या आएगा x square। अब da upon dx निकालेंगे, da upon dx हमारे पास कितना है 40 into 1 minus 2x आ जाएगा, अब put da upon dx को आप क्या put करेंगे 0 put करें, 0 put कर दिया तो 40 minus 2x आ जाएगा, तो 2x उधर आ जाएगा, तो x की value 2x is equal to 40, the value of x is equal to 20,
एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 20। अब इस एक्स की वैल्यू को उठा के एरिया में पुट करेंगे। एरिया के अंदर एरिया का क्या फॉर्मूला है, एरिया इज इक्वल टू फॉर्मूला कितना, 40 × 20 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, 20 आई थी ना, 20 का स्क्वायर, सही है। और आपके पास क्या है, 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400 होता है, 20 मल्टीप्लाई बाय 40 आपके पास कितना होगा, 800। 800 माइनस 400 क्या हो जाएगा, 400 ही आएगा, 400 और मीटर स्क्वायर ये एरिया आ जाएगा। मगर आपको ये नहीं पता ये एरिया मैक्सिमम है मिनिमम है, आपको प्रूव करना है एरिया मैक्सिमम। तो सेकंड डेरिवेटिव आप निकालेंगे, सेकंड डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा इस फंक्शन का, फर्स्ट डेरिवेटिव को आप डेरिवेट करेंगे तो 40 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस 2x का माइनस 2 आएगा, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस 2 आएगा और लेस देन 0 है, तो हेयर आप कहेंगे ये लाइनें खींचते हैं, तो आपके हेयर सेकंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, सेकंड ए एरिया का लेस देन 0 आ रहा है, सो एरिया इज इक्वल टू कितना है, एरिया कितना है, 400 मीटर स्क्वायर हैज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 20। तो मैक्सिमम एरिया चाहिए था, किस वैल्यू पर चाहिए था, वो वैल्यू पर भी आपने मैक्सिमम एरिया आपने निकाल लिया, सही है बेटा, क्लियर। ये क्वेश्चन थे, ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये क्वेश्चंस हैं आपके जिसमें आपको फंक्शन बनाना पड़ रहा है। प्रीवियस 17.2 के अंदर फंक्शन बने हुए थे, यहाँ पर आपको फंक्शन बनाना पड़ रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखता हूँ मैं, इंशाल्लाह 3 मिनट में हो जाएगा, मैं जरा तेजी तेजी में निकाल दूं, हो जाएगा इंशाल्लाह, लाना चाहता हूँ, सही है, ओके बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये सेम ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जरा देखें, आपके पास क्या कह रहे हैं, अब पीस ऑफ वायर उसकी लेंथ कितनी है, 104 मीटर इस बैंड टू फॉर्म आर ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम द शेप व्हिच आर टू पैरेलल एंड टू नॉन पैरेलल साइड, जिनकी दो पैरेलल दो नॉन पैरेलल साइड होती है, एज शोन इन डायग्राम। तो वाई को एक्स की टर्म में लिखो, पहले तो कह रहे हैं वाई को एक्स की टर्म में लिखो, इधर तक आप कह रहे हैं वाई एक्सप्रेस वाई इन द टर्म, और शो दैट द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इंक्लोज एरिया क्या आएगा, ये आएगा, ये शो करना, और फिर मैक्सिमम एरिया निकालना और एक्स और वाई को निकालना, कोई मसला ही नहीं। आपको क्या पैरीमीटर, यानी पैरीमीटर कितना गिवन है, 104, वायर की लेंथ 104 है, और वायर की पैरीमीटर क्या होता है, आउटर बाउंड्री डिस्टेंस होता है, आउटर बाउंड्री क्या होगी, 5x प्लस वाई प्लस 5x प्लस 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 104, ये आपके साथ। अच्छा ये 5 और 5 कितना हो जाएगा, 5x प्लस 5x कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, 10 प्लस 6 क्या होगा, 16x हो जाएगा, और प्लस 2y इज इक्वल टू 104 आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, 8x प्लस y इज इक्वल टू 104 हो जाएगा। तो आपने 104 डिवाइडेड बाय 2 आप कर देंगे, इट इज 52 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 52, y इज इक्वल टू 52 माइनस 8x आ जाएगा, y इज इक्वल टू 52 माइनस 8x आपके पास आ गया, आपका ये आ गया 52 माइनस 8x आपका आ गया। अब आपने क्या कर देना है, ये y y आ गया, अब फंक्शन आपको एरिया का बनाना है, सही है, y इन द टर्म ऑफ x आपने निकाल लिया। अब एरिया का फंक्शन क्या होता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते एरिया एरिया ऑफ ट्रेपेज़ियम का फॉर्मूला 1/2 बेस इनटू हाइट। अब देखो सॉरी 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय, वो ट्रायंगुलर फार्मूला था, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय, पैरेलल साइड क्या है, 6x प्लस y प्लस y, और हाइट नहीं है हमारे पास। अब हाइट हम निकाल लेंगे, हाइट निकालने के लिए बेटा जरा गौर से देखो, ये आप कैसे क्या हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो, अच्छा वो भी 5x है, ये भी 5x है, तो इसका मतलब ये y है, तो ये y हो जाएगा, और इसका मतलब ये 3x है, ये भी 3x हो जाएगा। अब यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो आप कितने 5x का स्क्वायर हो जाएगा, और इज इक्वल टू p आप कैसे कितना हो जाएगा, हाइट, इसको p को हाइट, ये p आ जाएगा, हाइट कहते हैं हाइट का स्क्वायर प्लस बी, इसको एच कहते हैं हाइट, और ये बेस कितना हो जाएगा, 3x का स्क्वायर हो जाएगा, जो 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 16x स्क्वायर आ जाएगा, 16 है, तो हाइट आपके एच क्या आ जाएगी, एच आई 4x आ जाएगी हाइट, सही है बेटा। अब कुछ भी नहीं है, एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेज़ियम का देखें, अभी क्लोज भी हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा, मिनट से कम में रह गए, आप सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये फॉर्मूला है। तो पैरेलल साइड आपके पास कौन सी, पैरेलल साइड 6x प्लस y और प्लस y, और हाइट आपके पास कितना 4x है। अब इसके अंदर y की वैल्यू पुट कर दे, y की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, y की वैल्यू आपके पास 52 माइनस 8x गिवन है, और आपका ऊपर वाला फंक्शन प्रूफ हो जाएगा, बस खत्म हो गया, और फिर आगे क्वेश्चन